वाह, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कलड़ी, पीछे दरिया बह रहा है, ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और पीछे चेक करें, पेड़ों के बीच में हमने बैठना है यहाँ पे, अमेजिंग सी जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। आइए जी आइए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंच गए हैं उथल, और उथल से हम जा रहे हैं आज खराड़ी। तो खराड़ी का हमारा आज पहला ट्रिप है, और लड़के आज हमारे साथ हैं। और खराड़ी पे आज हमने ज़रा, हमारी तो सारी कहानी ही जो है आपको पता है एडवेंचर के आसपास ही घूम रही होती है, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के आसपास घूम रही होती है। तो मैंने दूर से देखा हुआ है खराड़ी का नज़ारा, आज हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और खलड़ी को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी खरीदारी कर लें, पानी शानी। क्या ले रहे हो? पानी ले लिया, जेब से निकालो सोले, जेब से तुमने रखा है, सारे ये लोग जो है ना सोते हुए आए, और मैं ड्राइव कर रहा था, 8 बजे पड़े और चाय पीनी है हमने। उत्थल के अंदर एंटर होते ही आपको, अगर एंटर हो रहे हैं आप कराची की तरफ से आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे ये होटल आता है, और उत्थल में ये ज़रा बेहतर, यहाँ पे खाना और चाय वगैरह यहाँ पे मिलती है, बेहतर मिलती है। तो यहाँ चाय के लिए रुक रहे हैं, और बस फिर हमने आगे जाना है, ज़्यादा देर नहीं लगानी। चलो जी, छोले और हमारे पराठे आ गए, नाश्ता हम करेंगे यहाँ पे, और नाश्ते की तकरीबन तैयारी हो गई है। मौसम अभी तक तो अच्छा चल रहा है उथल में, और पिछले दिनों जो चल रहा था, जो बहुत ड्रामेटिक और बादलों वाला मौसम था, वो जा चुका है। लेकिन मौसम अभी भाई बता रहे हैं कि ठीक है, ओके की रिपोर्ट है ना, मौसम की बराबर है। मरी का मौसम फुल VIP। ओके जी, वेलकम टू उथल सिटी, और उथल सिटी में हम आ चुके हैं, ये देखें। और यहाँ की एक बड़ी ही खौफनाक निशानी है, वो निशानी ये है, यहाँ पे हमने बहुत दफ़ा रात में जो है ना गाड़ी उड़ाई है। उथल सिटी के अंदर एंटर होते ही जो है ना बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, और इन स्पीड ब्रेकरों से बचिएगा जब भी आप यहाँ आएँ। और जो जगह हम जा रहे हैं खलड़ी, ये यहाँ से शहर के अंदर ही थोड़ा सा आगे जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, लसबेला यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ही हमने राइट लेना है, बहुत दूर नहीं है। आखिरी मार्केट से हमने चाय का कुछ सामान लेना है, जो चाय हमने वहाँ बनानी है, चाय एक पी ली हमने, तो बस वो लेना है, और फिर हम फाइनली पहुँच चुके हैं वहाँ पे। सोले जल्दी करो यार, देर हो रही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी को हमने क्रॉस कर दिया है, और हम वही वाले क्वेटा कराची वाले हाईवे पे ही हैं। अब इसके बाद निशानी जो इस जगह की है, वैसे तो अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से कार बासानी जो है ना चली जाए। तो अब जो है कोस्ट गार्ड की एक बिल्डिंग या इस तरह से आने वाला है, और उसके बिल्कुल फौरन बाद ही जो है ना हमने अंदर लेना है। तो मेरे ख्याल से वो जगह आ गई है, ये कोस्ट गार्ड का ऑफिस टाइप का जो है वो ये रहा, ठीक है। और इसके बाद फौरन राइट है, पतला रोड है एक, उधर से हमने अंदर जाना है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है अली भाई, हमारे बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोरर हैं, 4x4 एक्सप्लोरर हैं, और यहाँ पे वो बहुत ऑफ रोडिंग कर चुके हैं, और ये जगह मुझे उन्होंने बहुत हाईली रिकमेंड की थी कि यहाँ पे ज़रूर जाया जाए, और ये रास्ता भी उन्होंने मुझे वही बताया है जहाँ से कार बासानी जा सके। तो वो रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप भी अगर आएँ तो बासानी यहाँ पे पहुँच जाए। ये आ गया भाई बोर्ड, और इस बोर्ड पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और प्रोजेक्ट नेम लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग एडिक्स। ओ, ड्रग एडिक्स की जगह है। तो रोड आ गया पतला सा, ये देखें आप लोग, और बस इस पे मेरे हिसाब से जो मैंने कच्ची एस्टिमेशन की थी आने से पहले, जब मैं रिसर्च कर रहा था गूगल मैप के ऊपर,
तो 3.5 या 4.5 किलोमीटर की हमने जो है इस रोड के ऊपर जाना है, और ये हमें जो है ना बिल्कुल जो कराड़ी रिवर है ना वहाँ पे जाके हमें ये डेड एंड करेगा। यानी रास्ता उसके बाद भी होगा लेकिन वो सिर्फ 4x4 का रास्ता है। रास्ते पे आप इंश्योर करेंगे कि आप कैसे आ रहे हैं, ये जो है ना प्लांट लगे होंगे इस तरह के, ये ट्रेशर प्लांट लगे होंगे इस तरह के, आगे एक दो और भी शायद हमें दिखने को मिले। और दूसरी मज़े की बात ये कि आपको दूर से, अभी हम थोड़े दूर हैं जैसे मैंने कहा था 3-4 किलोमीटर अंदर हैं, तो हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं, विच मीन्स हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बिल्कुल पहाड़ जहाँ पे शुरू होंगे वहीं बीच में दरिया है और वहीं हमने जो है ना स्टॉप ओवर करना है। तो पहाड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से धुंध है या सुबह का टाइम है शायद, इस वजह से अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो शायद कैमरे में आपको बहुत क्लियर ना दिख पाए, लेकिन आँख से हमें दिख रहा है। बस रोड कंडीशंस देख लें आप लोग, ऐसी है कि कोई भी गाड़ी बाइक इजीली आ सकती है यहाँ तक, तो आई कैन अश्योर कि कोई भी गाड़ी इजीली आ सकती है। सामने आपको पहाड़ माउंटेन रेंज पूरी दिखना शुरू हो गई होगी अभी काफ़ी हद तक क्लियर, और जब दरिया आएगा यानी मेन जो यहाँ की अट्रैक्शन है वो है खराड़ी रिवर, तो हमने वहाँ स्टॉप ओवर करना है जो भी कोई रीज़नेबल जगह होगी। अभी तक तो कोई भी गाड़ी और कोई भी बाइक यहाँ पर बासानी आ सकती है। वाह, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ खलड़ी, पीछे दरिया बह रहा है, ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और पीछे चेक करें, पेड़ों के बीच में हमने बैठना है यहाँ पे, अमेजिंग सी जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। और ये इस जगह के बारे में आपको ख़ास बात बताऊँ, ये जगह बेसिकली ऑफ रोडर्स जो है ना, जो हमारे कराची के या बलूचिस्तान के जो लड़के या जो मेन्स हैं, बेसिकली मेन्स हैं, वो यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर करके जो है ना एक्सपर्ट बने। ऑफ रोडर्स के लिए ये हेवन है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, एपिक जगह है। सुभान अल्लाह जी, ज़बरदस्त, वंडरफुल, एपिक व्यूज, एपिक व्यूज। हाँ भाई मूसा, फीडबैक बहुत आला। हाँ बहुत आला भाई, दिल जीत लिया है खराड़ी ने, और अफसोस इस बात का हो रहा है कि हम सिर्फ चाय का सामान लाए हैं यहाँ। जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा रुकना चाहिए था, खाना पीना सारा लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये जो जगह है ना पेड़ों के बीच में, यहाँ छाँव बड़ी अच्छी है और गाड़ी भी यहीं पार्क की है, और वो भी वहाँ भी जो है ना पेड़ों के नीचे काफ़ी जगह है जहाँ पे रेस्टिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुथरे तरीके से जो है ना की जा सकती है। जगह तो सुपर है और अल्लाह का शुक्र है कि आज हवा नहीं है, तो ड्रोन शॉट सुपर डुपर आने गया। भाई बड़े अरसे बाद जो है ना ठीक ठाक गर्मी आज पीट रही है हमें, लेकिन इस जगह की खूबसूरती के को कवर करने के लिए ये गर्मी से पिटना हमें कबूल है। भाई अब जो है ना हमें अपना गर्मी का सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, और पानी में नहाना तो अब हमारी मजबूरी बन गई है, गर्मी टाइट है, आज हवा नहीं है। ये देखे जी, सेटअप लगाया हमने यहाँ पे, और अपनी हमने दरी यहाँ रखी है।
ये झूला वूला यहाँ रखा है, सामान यहाँ रखा है, और सुकून से अब जो है ना यहाँ पे रेस्ट करेंगे। लोकल्स ने हमें गाइड किया है यहाँ पे कि आप लोग जिस जगह पे हैं यहाँ पानी ज़रा कम है, 3-4 इंच है, आपको अगर जाना है तो बड़ा खलड़ी की तरफ चले जाएं, और वो भी हम जहाँ पे हैं वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर और आगे है, तो अब वहाँ पे आ गए, यहाँ चेक करते हैं कि बड़ा खलड़ी पे क्या सीन है। खलील भाई जो है अब चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि हम खाने का सिस्टम तो ऐसा कोई किया नहीं है, और ये दूसरी जगह पे पानी बहुत शानदार है और साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट है, और थोड़ा सा गहरा भी है, यानी आप ये समझ लें कि वेस्ट हाइट तक का पानी है। इधर नहाने का भी बहुत मज़ा आने वाला है, और बस हम खाना नहीं लाए, इसका हमें थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा, लेकिन यही लेसन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी नेक्स्ट टाइम के लिए। माशाल्लाह जी, वाह, नीचे कैमरा अंडर वाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसा खूबसूरत मंजर है खलड़ी का, वाह ज़बरदस्त। ये जो जगह है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त, ये थोड़ा सा डीप है, और चूल्हा हमारा वो चल रहा है, मूसा भाई ये खड़े हैं, और दो लड़के हमारे आगे गए हैं, पता नहीं क्या ढूँढने गए हैं, उनको पता नहीं कौन से जेम स्टोन्स हैं जो यहाँ से ढूंढने हैं जो इनको मिलेंगे। गर्मी ने ना सीन थोड़ा सा किया हुआ है ऑफ, और हम क्योंकि अब 2 महीने कराची में सूरज निकला नहीं, आज पहले दिन कड़कता हुआ सूरज देख के अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बहरहाल हम ज़रा पेड़ के नीचे बैठ देखें, छाँव में लेके आसरा कर रहे हैं थोड़ी देर, और काफ़ी टाइम हमने 3-4 घंटे अब यहाँ पर गुजार दिए। बॉयज़ हमारे आगे होके आए हैं, उन्होंने कहा है आगे एक स्पॉट है जहाँ पर पानी और थोड़ा सा गहरा भी है, और 2-3 जगह से आ रहा है प्रेशर का सीन है, तो हमने कहा चलो आ गए हैं तो आगे वाला भी सीन चेक कर लें, खलड़ी याद रहेगा। अनबिलीवेबल साफ पानी, इतना क्रिस्टल क्लियर, और 130-140 किलोमीटर दूर है हम कराची से, अनबिलीवेबल व्यूज़ और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी, सुभान अल्लाह। खलील भाई बैठ गया पानी में, प्रेशर है। हाँ खलील भाई, पानी ठंडा है? नॉर्मल है, ठंडा नहीं है दादा, हाँ छाँव में थोड़ा मज़ा आ रहा है। ये देख रहे हैं दो पानी की बिल्लियों को, ये दो पानी की बिल्ली है, मुंह घुमा लिया उन्होंने, यार इनको अभी मैंने पानी में डबोना है, आगे जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सा गहरा पानी है, ये सबसे तेज प्रेशर वाली जगह है, आगे जाएंगे और इनको मैं डबोऊंगा पानी। अबे पकड़ ले भाई, देखो भाई खराड़ी से मछली भी पकड़ी।
मेरे पास ना इसलिए अल्फाज नहीं है, जो लेवल ऑफ फन हमने किया है ना ज़बरदस्त। खलड़ी जो है ना एब्सोल्युटली अमेजिंग जगह है। और वापसी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी है और वापसी की तैयारी बेसिकली शुरू कर दी है। गाड़ी तक हमें जाने में तकरीबन 10 मिनट की वॉक हमें करनी होगी और बॉयज़ ने काफ़ी फ़न किया है। गर्मी जो है हमें सड़ा रही है, बहुत जल चुके हैं, टैन बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे, बट हौसले बुलंद हैं। बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर की। आप जब भी हैं अपने साथ एम्पल पानी लेके आइएगा और ठंडा कूलर वगैरह सब कुछ लेके आइएगा, गर्मी बेशुमार है। वैसे तो ये पानी पी सकते हैं, हमने भी मजबूरी में यही पिया है, लेकिन ठंडे पानी के लिए आप अपने पानी का बंदोबस्त और खाने का बंदोबस्त करके आइएगा। किसी भी गाड़ी में आसानी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। मौसम का सिलेक्शन और टाइम का सिलेक्शन अक्लमंदी से करेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बलूचिस्तान जिस तरह से खूबसूरत है, ये जगह भी वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से एक है। कराची से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। आप जब भी आएंगे यहाँ भरपूर इन्जॉय करेंगे। इस वीडियो को भी और हमारी तमाम वीडियोस को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।